हाय गाइस, वेलकम टू आनेस टीवी। मैं हूं दुर्गा चक्रवर्ती, जो सिर्फ आपके लिए आती है बिग बॉस के घर से स्पाइसेस न्यूज। इस बार के हाइलाइट्स मैं आपको बताने वाली हूं, सो स्टे ट्यून्ड। आपको तो पता ही होगा, रोटी कपड़ा और मकान एक बेसिक लाइफ की नेसेसिटी होती है, लेकिन बिग बॉस के घर में रोटी के ऊपर एक कॉन्वर्सेशन होता है, कॉन्वर्सेशन से एक आर्ग्यूमेंट होता है और आर्ग्यूमेंट से लेकर एक झगड़ा होता है, सिर्फ रोटी के ऊपर। अब ऐसा किसके बीच हुआ, मैं आपको बताती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अर्शी खान और सोनाली फोगाट के बीच में हुआ एक छोटा सा झगड़ा, पर क्यों? रोटी के वजह से। सोनाली फोगाट घर पे बैठकर एक रोटी बनाती हैं अपने लिए, जिसके वजह से अर्शी खान भड़क जाती हैं। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही छोटी बात है कि एक रोटी के वजह से दो लोग झगड़ा कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा, बिग बॉस के घर में अब राशन बोलते ना, एकदम काउंट करके ही लाया जा रहा है, एक क्वांटिटी आ रही है क्योंकि पनिशमेंट मिला हुआ है। आगे बताती हूँ हुआ क्या। अच्छा, सोनाली फोगाट अपने लिए जब रोटी बनाती तो वो एक्स्ट्रा आटा ले लेती हैं। अर्शी खान को ये बात चुभती है क्योंकि आटा कुछ राशन होके ही आया है और सारे घर वालों का पेट उनको भरना है। अर्शी ये बात उठाती हैं, जिसके वजह से अर्शी और सोनाली फोगाट के बीच में होता है एक झगड़ा। सोनाली फोगाट ऑफर करती हैं कि वो ब्रेकफास्ट के पराठे के आटे अर्शी खान अभी डिनर पे यूज़ कर ले, लेकिन अर्शी खान ये बात मानती नहीं है। वो बोलती हैं कि सोनाली को अब बाकी घर वालों के बारे में भी सोचना है और सिर्फ अपने बारे में नहीं, क्योंकि खाना सबको इक्वली मिलना चाहिए। आपको क्या ये बात सही लगी, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। रोटी के ऊपर हुए झगड़े घर में हमने बहुत बार देखे हैं, लेकिन इस बार ये झगड़ा थोड़ा ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का था। अब अर्शी खान और सोनाली फोगाट जब झगड़ा कर रहे थे तो सोनाली फोगाट कहीं ना कहीं थोड़ी परेशान हो गई और उन्होंने अपना पराठा डस्टबिन में फेंक दिया, और अर्शी ने यही मौका देखकर जाके सोनाली फोगाट के दुश्मन यानी रुबीना दिलैक और निक्की तांबोली को ये बात बता दी। उसके बाद होना क्या था, मेलोड्रामा, हाई ड्रामा एंड झगड़ा, ऐसे ही कुछ हुआ। रुबीना दिलैक एक स्ट्रॉन्ग हेडेड कंटेस्टेंट है, ये तो हमें पता ही है, और बहुत ही वोकल हैं अपने आइडियाज़ को लेकर, और इस टाइम भी वो वोकल होते हुए नज़र आई जब सोनाली फोगाट ने अपनी रोटी डस्टबिन में फेंक दी। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट को खाने का रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है, स्पेशली एट अ टाइम जब घर में राशनिंग हो रही है और पूरे घर वालों का पेट नहीं भर रहा। वहीं पर निक्की तांबोली, जो स्पॉटलाइट के लिए हंगरी हैं, वो आती हैं सोनाली फोगाट के पास। वो सोनाली फोगाट को एक बेवकूफ औरत भी बोलती हैं, डम हेड बोलती हैं, और ऑफ कोर्स सोनाली फोगाट फील्स वेरी इंसल्टेड। वो बिग बॉस को बोलती हैं, वो रोते हुए नज़र आती हैं, चीखती हुई चिल्लाती हुई नज़र आती हैं कि उन्हें वापस घर जाना है, उन्हें बिग बॉस के घर में अब रुकना नहीं है। वाई? बिकॉज शी फील्स इंसल्टेड, इन्फेक्टेड, नॉट केयरिंग अबाउट व्हाट सोनाली फोगाट फील्स। बाकी उनके को हाउसमेट्स को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ सिंपथी और वोट्स पाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं। मेरे को ये नहीं लगता कि वो वोट्स या फिर सिंपथी गेन कर रही थी, उनको जेन्युइनली कॉर्नर कर दिया गया था बिग बॉस के घर में, इतने सारे लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे, तो ये इमोशन उनका आना जायज़ था। घर वाले बिग बॉस के घर में अब कम से कम 100 दिन से तो ऊपर रह चुके हैं, विद नो कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कोई फ़ोन नहीं, इंटरनेट नहीं, टीवी नहीं, बस आपस में ही भिड़ भिड़ के वो अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं। तो बिग बॉस ऑफ कोर्स, अब धीरे धीरे हम इंच कर रहे हैं क्लोजर टू द ट्रॉफी। बिग बॉस ने उनको एक मीट एंड ग्रीट सेशन दिया प्रेस के साथ, घर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें घर वालों से पूछे गए कुछ तीखे सवाल। क्या वो आंसर कर पाए, क्या वो मीडिया के सामने खड़े उतरे, ये मैं आपको बताती हूँ। एक्टर एंड एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की होस्ट थी। उन्होंने कोई मौका नहीं दिया हाउसमेट्स को कि वो प्रेस के बोलते हैं तीखे सवालों को डॉज कर सकें। इनफैक्ट उन्होंने भी कुछ तीखे क्वेश्चंस और तीखे आइडियाज़ उन्होंने अपने प्रेजेंट किए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीजन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था। अभी आपको बताती हूँ कि आगे आगे हुआ क्या। घर वालों को पेयर्स में आके मीडिया से आंसर क्वेश्चन करना था, तो सबसे पहले आए राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक।
अब राहुल वैद्य से कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिसके आंसर्स उनके पास थे ही नहीं। उनसे पूछा गया कि जब अली गोनी मिसबिहेव करते हैं या फिर बुली करते हैं तब राहुल वैद्य कोई स्टैंड नहीं लेते, लेकिन वही चीज़ अगर रूबीना दिलैक करती हैं तो वो उस चीज़ को एक बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। और वो ऐसा करते क्यों है? व्हाई डजंट ही टेक अ स्टैंड व्हेन अली गोनी टेक यू नो बिकम्स अ बुली इन द हाउस? क्योंकि अली गोनी दिखाई दिए हैं चिल्लाते हुए बी एट ऑन कविता कौशिक और विकास गुप्ता। राहुल वैद्य के पास शायद आंसर्स ही नहीं थे इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए। सेम क्वेश्चन पूछा गया रूबीना दिलैक से कि व्हाई डजंट शी से एनीथिंग टू निकी तांबोली जब निकी तांबोली मिसबिहेव करती हैं, एंड अगर वो छोटी हैं घर पे तो उनको एक बोलते ना पास सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है कि वो लोगों से मिसबिहेव कर सके। बिग बॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबीना और अभिनव के रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत पूछा गया। उनसे पूछा गया कि उनका ये जो डिवोर्स वाली जो बात थी क्या वो फेक थी या रियल थी, और अगर रियल है और अगर वो अपने आप को टाइम दे रहे थे तो क्या घर के बाहर यानी बिग बॉस के घर के बाहर जाके वो अपना रिलेशनशिप बचा के रखेंगे, वो शादी अपना बचा के रखेंगे, या फिर वो डिवोर्स लेने का प्लान कर रहे हैं। वहीं पर रूबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बात करते हुए नजर आए। उन्होंने आंसर दिया कि वो शायद अपने डिफरेंसेस को मीट कर चुके हैं और अब वो शायद साथ में रहेंगे। जब निकी तांबोली की बारी आई तब निकी तांबोली से अफकोर्स क्वेश्चन किया गया उनके मिसबिहेवियर के बारे में। अफकोर्स हम जानते ही हैं उनकी मिसबिहेवियर के बारे में, उन्होंने कभी किसी को स्पेयर ही नहीं किया है, कभी किसी को गंदी औरत कहा है, कभी किसी को बदी औरत कहा है, किसी को स्टूपिड कहा है, और कुछ ना कुछ गालियाँ भी दी हैं जो शायद मैं कैमरा में आपसे बात भी ना कर पाऊँ उस बारे में। लेकिन जब प्रेस ने उनसे तीखे सवाल किए तो उनके पास कुछ अजीब अतरंगी आंसर्स थे। उनसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि उनका और देवोलीना का मैटर क्या था। अब जब देवोलीना का नाम आया दोनों यानी निकी तांबोली और देवोलीना का झगड़ा ही चालू हो गया मीडिया के बीच में। बाद में आए विकास गुप्ता और अर्शी खान। अब अर्शी खान से ये पूछा गया कि भाई क्या वो अपना बिजनेस भूल गई है यहाँ पर, या फिर वो क्या करने आई है बिग बॉस के घर पे जो वो सबके काम पे बोलते ना टांग अड़ाती हैं। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि उनके वो लोगों से मैनर्स के बारे में बात करती, वो कुछ ज़्यादा ही मैनरलेस नहीं हो गई हैं, क्योंकि कीपिंग इन माइंड कि वो विकास गुप्ता और राखी सावंत के साथ कैसे बिहेव करती हैं। वहीं पर विकास गुप्ता से ये पूछा गया कि वो बाहर की बातें आके घर पे क्यों शेयर करते हैं, जो चीज़ नीडेड ही नहीं है वो घर पे आके क्यों कर रहे हैं। इन सारे सवालों के साथ साथ ये वाला एपिसोड शायद से बिग बॉस 14 का सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा है, क्योंकि कंटेस्टेंट्स को सारे कंटेस्टेंट्स को एक कंटेस्टेंट को नहीं सारे कंटेस्टेंट्स को कॉर्नर कर दिया गया था तीखे सवालों के साथ। अभिनव और अली थे लास्ट पेयर जो आए जिनसे तीखे सवाल पूछे गए। सो अभिनव से पूछा गया कि वो अपना गेम कब खेलेंगे, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ रूबीना के हस्बैंड बनके ये गेम खेलना चाहेंगे। फिर उसके बाद अली से जब बात की गई तो अली से ये पूछा गया कि जब आप घर पे आए थे आप रूबीना के दोस्त थे, लेकिन जब एक झगड़ा हुआ जहाँ पर राहुल वैद्य ने रूबीना को एक टॉन्ट मारा कि अभिनव उनका पति नहीं हो सका तो उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे अली ने रूबीना का साथ क्यों नहीं दिया? और ऐसे ही कुछ सवाल किए गए जिसमें अली के पास कुछ तो आंसर्स थे लेकिन कुछ आंसर्स नहीं थे। अब अली से एक और सवाल पूछा गया था कि वो अभिनव और रूबीना के बारे में उनके पीछे बात क्यों करते हैं। हम सब ने अगर एपिसोड हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम बिग बॉस देख रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि अली गोनी शायद रूबीना और अभिनव को अब पसंद नहीं करते और वो पीछे से उनके बारे में बात करते ही करते हैं। इस घर में कौन किसके पीछे बात नहीं करता। लेकिन जब मीडिया से बात की गई और मीडिया ने ये बात उठाई तब अली गोनी ने मुँह पर सीधा डिनाई कर दिया। रूबीना और अभिनव ज़्यादा शॉक नहीं थे अली के इस बिहेवियर से, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था कि जैस्मिन जब इस घर में थी और अली गोनी जो इस घर में है ये लोग उनके पीठ पीछे बातें करते थे। अच्छा, जो ये सोचते हैं कि बिग बॉस का घर एक केक वॉक है, बहुत ईजी है, सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है, आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर टर्न एंड हर ट्विस्ट में घर वालों को चैलेंजेस और टास्क करने पड़ते हैं, और इस बार वीकेंड का वार एपिसोड यानी संडे का एपिसोड भी कुछ ऐसा ही रहा। इस बार बिग बॉस ने कुछ ज़्यादा ही चैलेंजेस और एक्टिविटीज़ थ्रो कर दिए जो शायद हाउसमेट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट थे।
वीकेंड के वार एपिसोड में यानी संडे के एपिसोड में आए सीजन 13 के विनर और इस सीजन के तूफानी सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला, और वो कुछ ऐसा टास्क लेकर आए जो शायद बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग था। उन्होंने इस बार सलमान का रोल निभाया और कहा कि वो जनता के कुछ तीखे सवाल, स्पाइसी गॉसिप और कुछ नई नई चीज़ें लेकर आए जो वो घर वालों से पूछना चाहते हैं। और सबसे पहले उन्होंने पूछा, यानी जनता का सवाल उन्होंने पूछा राहुल वैद्य से, जिसको सुन के राहुल वैद्य थोड़े से डर गए। पहला सवाल फ्रॉम द जनता टू राहुल वैद्य वॉज कि वो बार बार अभिनव शुक्ला की अबिलिटीज़ के बारे में क्यों क्वेश्चन करते हैं जब वो खुद कुछ शो में दिखा नहीं रहे हैं। विच इज़ ट्रू, जब से वो आए हैं तब से उनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन शो में रहा नहीं है, सिवाय कुछ यहाँ वहाँ की बातों के अलावा। ना ही उन्होंने कुछ एंटरटेन करा है, ना ही उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इस शो को दिया है। सेकेंड क्वेश्चन उनसे उनकी फ्रेंडशिप विद अली के बारे में पूछा गया था, क्वेश्चन किया गया था, और उनसे ये भी पूछा गया था कि जब रूबीना के कोई दोस्त बनते हैं तब उनको राहुल चमचा टैग क्यों करते हैं, इट इज़ वेरी अनफेयर। निकी तामोली से वन एंड ओनली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इज शी बींग सो फेक, क्योंकि जब से वो आई हैं तब से बहुत ही ज़्यादा फेक ही लग रही हैं। उन्होंने अपना रियल साइड ना ही अपने फ्रेंड्स को दिखाया है, ना ही ऑडियंस को दिखाया है, तो वो ऐसा क्यों कर रही हैं? और ऑब्वियसली अगर फेक अगर कोई करता है तो कैमरा से छुपती तो है नहीं कोई बात, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद पूछा गया सोनाली फोगाट से क्वेश्चन कि वो भाई इस शो में आई क्यों है, इनविजिबल क्यों है, वो दिख क्यों नहीं रही है, ना ही वो कुछ ऐसा कुछ कर क्यों नहीं रही है कि वो कैमरे में आए और अटेंशन ले ऑडियंस का। अभिनव शुक्ला से ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो अपना गेम क्यों नहीं खेल रहे हैं, जो आई थिंक हर बार सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो रूबीना के शैडो क्यों बन रहे हैं। यहाँ पर सिद्धांत शुक्ला ने एक चीज़ ऐड कर दी, उन्होंने कहा कि अभिनव के पास ये एडवांटेज है दैट वो और रूबीना साथ में आए हैं, लेकिन अभिनव को अब अपना गेम शुरू कर देना चाहिए, सीजन खत्म होने को है, अभिनव का शो पता नहीं कब स्टार्ट होगा, भगवान ही जाने। एक सीरियस क्वेश्चन आंसर राउंड के बाद घर का मूड लाइट करने आए हर्ष लिम्बाचिया और राघव जुयाल, जिन्होंने घर वालों को अपने जोक से हंसाया और अपने ट्यून्स में नचाया। अब उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी जिसके वजह से घर वाले अपना पेट पकड़ के हंसे तो, लेकिन उसके बाद डांस ही बहुत सारा किया। और उन्होंने घर पे एक और चीज़ रिवील किया कि घर के एक्चुअल कपल्स है कौन। घर में आए दो और गेस्ट, रश्मि रसाई और टीना दत्ता, जो अपने शो उत्तरन को सेलिब्रेट करने आए थे, क्योंकि उत्तरन को हो गया है 12 साल। अब उन्होंने उत्तरन से ही रिलेटेड, अपने शो से नहीं, घर के उत्तरन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने क्वेश्चंस ऐसे करे कि घर का माहौल वापस थोड़ा सीरियस हो गया। रश्मि और टीना पूछते हुए नजर आए हर एक कंटेस्टेंट से कि उनके हिसाब से ऐसा कौन एक घर का हाउसमेट है जो दूसरे कंटेस्टेंट को यूज करते हुए ट्रॉफी की तरफ चढ़ रहा है। ऑफकोर्स अगर ऐसे तीखे सवाल और ऐसे टास्क रखे जाएंगे तो घर का माहौल टेंस तो होगा ही, और टेंस से अगर बात करें तो कुछ ही हफ्ते बाकी हैं ट्रॉफी के तरफ चलने के लिए और जीतने के लिए, तो घर वाले अब थोड़े ज़्यादा प्रेशराइज हो चुके हैं, क्योंकि बिग बॉस अब धीरे धीरे फिनाले की तरफ चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। टिल देन बाय बाय।